Hi, how are you? I'm your friend RJ, once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. आइए बेटा शुरू करते हैं आज की vocabulary session को फटाफट से rapid fire mode में चलिएगा. आज हम लोग देखते हैं the Hindu vocabulary के session में सबसे पहला word frail. Frail की अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा तो इसको आप relate करने की कोशिश करना इससे feeble से. Feeble हम लोग कह सकते हैं या फिर fragile हम लोग इसको बोल सकते हैं या फिर जो अपनी health को maintain रखने में थोड़ा सा fail हो गया होगा उसको भी हम लोग frail बोल सकते हैं. ठीक है, तो अपनी health को maintain रखने में fail हुआ ना, इसका मतलब वो क्या हुआ, अस्वस्थ हुआ या फिर नॉट हेल्दी, अनहेल्दी हम लोग कह सकते हैं, वीक हो गया या फिर दुर्बल हो जाएगा, मतलब कमजोर, काइंड ऑफ कमजोर है ना. इसके लिए हिंदी में नहीं हम लोग और देखना चाहें तो वीक मतलब कमजोरी तो होता है. ठीक है, तो ये हम किसी की कंडीशन बता रहे हैं, उसकी स्टेट बता रहे हैं, उसकी फिजिकल स्टेट बता रहे होते हैं, तो वीक हो जाएगा, डेलिकेट होगा. फीबल जो इजिली ब्रेकेबल होता है, फ्रेजाइल होता है, ब्रिटल होता है, वहाँ पर डेबिलिटेड वहाँ पर होता है, टेंडर होता है, अनस्टडी होता है, इनफर्म, स्लेंडर, डेंटी, स्लाइट, लिम्प, लिम्प मतलब होता है लंगड़ा कर चलना, मतलब चलने में उसको दिक्कत आ रही होती तो लिंपिंग करेगा वो. ठीक है, इफिट हो जाएगा, डेकरपिट हो या वहाँ पर होगा, ये सारे वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो इस सब के सब एक दूसरे के सिमिलर वर्ड हैं. ये देखो, ये आंटी जी हैं, ठीक, मैम है, थोड़ा सा परेशान होकर बैठे हैं, चल नहीं, चल फिर नहीं पा रहे, आसानी से खुद से नहीं कर पा रहे काम, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि शी इज़ नॉट हेल्दी, राइट. अपोजिट देखना चाहें इसके तो अपोजिट क्या होंगे, जो हेल्दी होगा, अच्छे से मेंटेन कर रखा होगा, जिसने खुद को अच्छे से रखा होगा, रोबस्ट होगा, मजबूत होगा, डटा रहे जो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगा, स्टडी, बिल्कुल आप लोगों की तरह, जैसे आप लोग पढ़ाई में डटे रहते हो ना, ठीक है, शेयर हो तुम लोग यार, ठीक, स्टडी हो, विगोरस हो, रेजिलिएंट हो, टफ हो, हार्डी हो, हेल्दी हो, तो ये सारे सारे वर्ड अगर हम देखना चाहें तो ऑपोजिट होंगे किसके लिए, फ्रेल के लिए. आई होप बेटा समझ में आया हो. चलिए अगले वर्ड पे हम बढ़ते हैं. देखो इस वर्ड को, देखो अगर हम लोग इस वर्ड को देखना चाहें तो इस वर्ड का मतलब होता है ओवरटली. अब ये बात आपको अच्छे से पता है, अगर आप मेरे प्रीवियस सेशन देख रहे होंगे, जितने भी मेरे प्रीवियसली सेशन हो चुके हैं उन सेशंस को अगर आप देखोगे तो उनमें आपको मैंने हमेशा बताया है, कोशिश करिए आपको ध्यान रहे, एल वाई अगर लगता है तो कैटेगरी आपके पास में जो वर्ड की जाएगी वो कौन सी होगी, एडवर्ब वाली, क्लियर. इन अ वे दैट इज ओपन, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑब्वियस. अगर हम लोग बात करना चाहें कि जो चीज अपने आप में क्या होती, ओपन होती. अब ओपन कैसे, इसको ऐसे समझो, आपके पास में कोई चीज पहले क्या थी, कवर थी, कवर मतलब क्या थी, ढकी हुई थी. अब कवर तो थी, अग्रे, अब उसमें से हमने क्या हटा दिया, एक तो मैं इस पेन से बड़ा परेशान हूं, अब हमने उसके आगे से सी हटा दिया, सी हटा दिया तो अब क्या हो गया, वो ओवर. अब ये आपके पास में जो ओवर हुआ ना, जैसे बेटा यहां पर, तो ओवर होते ही अब क्या हुआ इसमें कि ये आपके पास में ओवर हुआ, तो ये यहीं से हमने यहाँ रख दिया तो ओवरटली हो गया. ठीक है बेटा, तो कवर को हम लोग हटाएंगे, कवर का मतलब होता है ढकना, और ओवर उसमें सी हटाएंगे तो खुल गया वो, मतलब जो गेट लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था, सी की वजह से लगा हुआ था, सी हटा और वो खुल गया, इसे ध्यान रख लेना. ठीक, तो मतलब खुलकर, क्लियरली, एक्सप्लिसिटली, ठीक है, ओपनली हो गया, मैनिफेस्टली हो गया, अनमिस्टेकेबली, क्लियरली, एविडेंटली, जहां पर चीजें आपके पास में प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी में रखी होती है, ऑनेस्टली होती हैं चीजें, ऑनेस्ट तरीके से होती है, डायरेक्ट तरीके से होती है, प्लेन तरीके से होती है, फ्रैंक होती है चीजें, बिल्कुल ही ओपन होती है. ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ओपनली भी यहाँ पर बोल सकते हैं बेटा. ठीक है, तो ओपन वे में हो रही है तो ओपन ओपनली हो जाएगा. ठीक है, आउटवर्डली, ऑडिबली वहां पर होगा, टेंजिबली आपके पास में होगा. ये सारे वर्ड हम लोग देखना चाहें तो सारे के सारे सिमिलर वर्ड है एक दूसरे के. ठीक, देखो एक दूसरे से कितना, ये बेटी हैं, ये पप्पा हैं, आपस में एक दूसरे से फ्रेंक होकर बात कर रहे हैं, चीजों की जो मुद्दे हैं घर के उनके ऊपर तरीके से बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, ओवरटली बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि हाँ, अच्छे मम्मी पापा हैं, उनकी पेरेंटिंग अच्छी रही होगी तभी तो इस तरह से बात हो पा रही है इनके बीच में. ठीक, ऑपोजिट देखें, देखो यहाँ पर सबसे पहला ही वर्ड क्या बना, कवर, यानी कि उसको कवर कर दिया गया है. ठीक है, ढक दिया गया, सीक्रेट रखा है, कंसील, मतलब कोई चीज आपके पास में हिडन होती है, छुपी हुई होती है. ठीक है, इम्प्लिसिट होगा, इनडायरेक्टली कोई काम हो रहा होगा आपके पास में, इनविजिबली हो रहा होगा, अनसीन हो रहा होगा, या फिर कोई काम ऐसा होगा जो प्राइवेट तरीके से हो रहा होगा. प्राइवेट टॉक सुने ना आप लोगों ने, हाँ, वैसे सुनना नहीं चाहिए प्राइवेट टॉक, पर सुन लेते हैं हम लोग, ये वर्ड हम लोग देख चुके थे. ठीक है, फिर भी स्टिल आप लोग को ध्यान रखना चाहिए. अब इस वर्ड को देखें हम लोग, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपके पास में ये आपके पास हो गया प्रीफिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, मतलब जो पहले लगते हैं किसी वर्ड के. अब जो प्रीफिक्स होते हैं या फिर सफिक्स होते हैं, तो ये हमेशा क्या करते हैं, वर्ड्स के आगे पीछे लग के उनकी मीनिंग को चेंज कर देते हैं. आपने देखा होगा ना, कोई अच्छा इंसान है, मतलब अपने आप में वो खुद के फैसले लेता था वो,
अब उसके आगे पीछे एक दो चमचे लग गए, अब क्या होगा, उसके फैसले जो होंगे, उसके जितने भी आइडियाज होंगे या हर चीज होंगी वो मैनिपुलेट हो जाएगी किससे, उनके आगे पीछे जो भी चमचे रहेंगे उनके हिसाब से। तो सेम टू सेम यही वर्ड के साथ भी होता है, जितने भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है। डिस कैनिबल अगर हम लोग देखना चाहें, अगर हम लोग बात करें डिसकैनिबल मतलब जो चीज आपके सामने प्रत्यक्ष होती है, साबदार होती है, मतलब बिल्कुल समझने लायक होती है कि हाँ इसको हम लोग इजीली समझ सकते हैं, एबल टू बी परसीव्ड बाय योर सेंस, अगर आपका सेंस अच्छा है तो आप चीजों को समझ सकते हो, मतलब डायरेक्टली आप कह सकते हो, एविडेंटली आप चीजों को समझ सकते हो, ठीक है। जो चीज आपके सामने अपेरेंट होती है मतलब आपके सामने अपीयर हो रखी, अच्छे से अपीयर है, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं, यानी कि आपके सामने विजिबल है। इसके लिए पहले मैं सिंपल वर्ड आपको समझा रहा हूँ कि आपके पास में जो चीजें विजिबल हो रखी है, अपेरेंट होती है, क्लियर होती है, एविडेंट होती है प्रॉपर तरीके से, जिसको आप इजीली क्या कर सकते हो बेटा, नोटिस कर सकते हो, जिसमें आसानी से आप डिस्टिंग्विश मतलब अंतर बता कर सकते हो, जिसको आप इजीली क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम लोग देखना चाहें तो चेहरा बना हुआ है किसी का, अगर इसको एकदम से गौर से देखेंगे तो पता लग जाएगा अपने को, जो बात बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, किसी और चीज से उसको कवर नहीं कर रखा हमने, ऑब्वियस है आपके पास में, पैल्पेबल है आपके पास में, जिसको आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है, जिसको आप आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है, जिसके लिए आप इजली उसके लिए परसेप्शन सेट कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो आप चीजों को लेके, तो सारे के सारे वर्ड आपके पास में दिस कैर्निवल वर्ड के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अच्छा, इसका ऑपोजिट देखना चाहें, जो चीज आपके सामने साफ नहीं होती तो इसका मतलब कैसी होगी, छुपी हुई होगी, हिडन होगी, ऑब्स्क्योर होगी, जिसको नोटिस नहीं कर सकते आप लोग, तो हिडन हुई ना अपने आप में, सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगले वर्ड पे हम चलते हैं फटाफट से। इस वर्ड को देखो, बड़ा खतरनाक सा वर्ड है, वॉन्टन। वॉन्टन मतलब जो व्यक्ति अपने आप में वॉन्टेड होता है, हर कोई इसको ढूंढता रहता है, हर कोई इसकी उसकी उसके बारे में पूछता है कहां गया वो शैतान। तो शैतान जो अपने आप में प्रचंड होता है, उद्यमी होता है, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा होता है जो हर कहीं पर कुछ ना कुछ कांड करता रहता है। कांड करता रहता है मतलब उसको औरों की चिंता ही नहीं होती, कुछ भी इधर से ये कर दिया, उधर से वो कर दिया। छोटे बच्चों को देखा ना आपने, बड़े खतरनाक होते हैं वो, केयर फ्री होते हैं, हालांकि लाइट हार्टेड भी होते हैं, ठीक है। और एक और वर्ड इसके लिए लाइसेंटियस, इंपल्सिव, कैप्रीशियस एक और वर्ड होगा इसके लिए, प्लेफुल, जो हमेशा खेलते रहते हैं। अब खेलते रहते तो नॉर्मल सी बात है, नुकसान होगा। और प्रोडिगल, प्रोडिगल हम लोग जो वर्ड देख रहे हैं ये उन लोगों के लिए होता है जो केयरलेस होते हैं, रेकलेस होते हैं, बिल्कुल ही मतलब चीजों में ध्यान नहीं देते हैं, थोड़े से भी कॉशियस नहीं हो सकते, तो उन लोगों को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट हम लोग कह सकते हैं इनको, मतलब इनका इजिली हम लोग डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर सकते, दिक्कत वो है, तो इनको हमें झेलना पड़ जाता है, ठीक है। अनब्रिडल्ड आपके पास में है, एक्स्ट्रावेगेंट आपके पास में है, ये सारे कुछ नए वर्ड हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, ये कुछ अच्छे वर्ड हैं इनके साथ में। तो वॉन्टन के लिए हम लोग कह सकते हैं, और ये वॉन्टन किसी कोई ऐसे काम करता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। अब देखो, गाड़ी चला रहा है और साथ ही साथ फोन भी चला रहा है, तो कितना वॉन्टन आदमी है। वॉन्टन मतलब उसकी क्वालिटी बता रहे हैं भैया, हम उसके काम करने के तरीके की क्वालिटी बता रहे हैं। ऑपोजिट देखना चाहें तो ऑपोजिट क्या होगा, प्रुडेंट होगा, कोशिश होगा, हर चीज की ध्यान रखता होगा, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करता होगा, डेलिब्रेट तरीके से काम करता होगा, थॉटफुल होगा, कंसेंटियस होगा, वहां पर रेस्टेंट होगा, जुडिशियस होगा, मेटिकुलस होगा। मेटिकुलस मतलब अ पर्सन हु इज वेरी केयरफुल, जो चीजों में बहुत ध्यान रखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं केयरफुल, ठीक है। अगले वर्ड पे हम लोग मूव कर जाएं भैया फटाफट से। अब इस वर्ड को देखो थोड़ा सा, अनसावरी। अनसावरी जो वर्ड है आपके पास, इसका मतलब होता है बेस्वाद। अब इसको कैसे समझेंगे, अन इम इर डिसमिस, जब भी कहीं अगर ये वर्ड आपको लगे हुए दिखे प्रीफिक्स के रूप में तो उसका मतलब हमेशा नेगेटिव सेंस में कन्वे होगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि ये हमेशा नेगेटिव सेंस कन्वे करेंगे। उसके अलावा सेव, जिसको आप इजीली सेव नहीं करोगे, किसको सेव नहीं करोगे, जो हमारे काम का नहीं होगा, काम का नहीं होगा मतलब आपके हिसाब से आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगा, इंटरेस्टिंग नहीं होगा मतलब आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, तो कैसा हो जाएगा, बेस्वाद सा होगा, अनप्लीजेंट, समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट हो जाएगा, ठीक। याद रहेगा ना, तरीके से याद रखोगे तो रह जाएगा, नहीं रखोगे तो कैसे रहेगा भैया, ठीक। देखो ये बेंजी है, कुछ खा रहे हैं, हेल्दी है, कैसे अच्छा लगेगा। इसी की जगह अगर कुछ चाइनीज नूडल्स वूडल्स हो गए कैसे खा जाते हैं फटाफट, बटर बटर खा जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसको डिस, और यहाँ क्या लगा है, टेस्टफुल। मैंने अभी कहा आपसे कि डिस, ये इम इर डिस मिस ये वर्ड लगते हैं प्रीफिक्स के रूप में किसी के आगे, तो उल्टा करते हैं मीनिंग को, ठीक है, नेगेटिव कर देते हैं। तो टेस्टफुल अच्छा लगा, डिसटेस्टफुल अच्छा नहीं था, सिंपल। अब रिपग्नेंट, ये वर्ड थोड़ा अच्छा है, इसको आप ध्यान रखना,
डिस्गस्टिंग, ऑफेंसिंग, रिपल्सिव. अच्छा, ऑफेंसिव वर्ड को हम लोग यहाँ पर क्यों रख रहे हैं? ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है? अब यहां पर बोला गया है कि ऑफेंसिव, ऑफेंसिव कैसे? क्योंकि ऑफेंसिव का मतलब तो ऐसा होता है जिसमें लड़ाई झगड़े हो जाए, ऐसी कोई बात होती है. तो ऑफेंसिव को यहां रखने का मतलब क्या रखा होगा बताओ मुझे. चलो कोई बात नहीं, आप लोग अगर आपको पता रहे तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, फिलहाल मैं बता रहा हूं. अगर आपके घर पे कोई गेस्ट वगैरह आए और हो सकता है आपने उनको कोई ऐसा बिल्कुल गंदी चीज उनके सामने रख दी, तो वो कहेंगे भैया ये तो मजा नहीं आया, हमारी तो इज्जत ही नहीं है, कोई ढंग का खाना रख नहीं सकते थे आप. तो ये वाला चीज आपके पास में, अब सोचो वो लड़ाई का फूफा हो तो नुकसान हो जाए, उधर और दिक्कत हो जाएगा बहुत ज्यादा. तो वो आपके पास में दिक्कत वाली बात थी, तो उनको तो अच्छी नहीं लगेगी, तो अनप्लेजेंट हो जाएगी, वाइल हो जाएगी आपके पास में, ठीक है, झगड़ा हो जाएगा, रिवोल्ट हो जाएगा उधर, ठीक है, एबोरेंट वहां पर हो जाएगा. डेप्लोरेबल अच्छा वर्ड है, आप इसको ध्यान रख सकते हो. ऑफेंसिव बिल्कुल. ऑब्नॉक्शियस ये भी अच्छा वर्ड, इसको भी ध्यान रखो. अनपैलेटेबल, पैलेट आपका लोअर एब्डोमेन जो होता है वहां पर पैलेट होता है आपका, तो उसके लिए अच्छा नहीं है, मतलब अन है, मतलब नेगेटिव है, तो उसका मतलब है कि स्वाद अच्छा नहीं आएगा उसका. हाँ, ऑडियस, ऑडियस ये वर्ड आपके पास में. ऑपोजिट देखना चाहे इसका, तो ऑपोजिट क्या होगा? जो चीज आपको अच्छी लगती होगी, प्लीजेंट हो जाएंगी, अपीलिंग होगी, पैलेटेबल होगी. पैलेटेबल मतलब आपकी इस पैलेट को अच्छी लग रही होगी, वहां पर अनपैलेटेबल थी ना, ठीक है. एग्रीएबल, डिलाइटफुल, जिसको आप एंजॉय करोगे. डिलीशियस भी आप अगर खाने के सेंस में बात करो तो डिलीशियस भी बोल सकते हो, ठीक है. बट डिलीशियस काफी कॉमन वर्ड हो गया इसलिए मैंने यूज नहीं किया. चार्मिंग हो गया, टेस्टी हो गया, एंजॉय जिसको आप करोगे बेटा, ठीक. तो ये वर्ड थे, इसमें अगले वर्ड पे मैं चलता हूँ. एक ये वाला जो वर्ड है ना, ये वाला वर्ड भी थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, ठीक है. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी करवा रखे हैं ये वीडियो, ठीक है. तो हाँ, पहले करवाए थे. डिस्टोर्ट, डिस्टोर्ट का मतलब होता है सिकोड़ना. कोई चीज को आपने क्या कर दिया है, श्रिंक कर दिया है, तोड़ दिया, मरोड़ दिया है, तो वो चीज आपके पास में कैसी हो जाएगी? डिस्टोर्ट हो जाएगी, ठीक है. टू चेंज द शेप और साउंड ऑफ समथिंग सो दैट इट सीम्स स्ट्रेंज और इज नॉट क्लियर, मतलब कोई चीज को आप इतना बेकार कर देते हो, या फिर उसमें इसको ऐसे ध्यान रखो, कोई चीज किसी ने आपको कोई बात बताई, अब आपने वही बात एज इट इज वहां पर नहीं बताई और उसमें कुछ तोड़ मरोड़ दिया उसको, उस बात में कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस कर दिए और उसको आप सामने वाले के सामने रख रहे हो और सामने वाले को भरोसा नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है, तो वो चीज आपने क्या कर दी, वहां पर डिस्टोर्ट कर दी. अब ये कोई बात भी हो सकती है, कोई और चीज भी हो सकती है, कोई पिक्चर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, समथिंग. वॉर्प, डिफॉर्म, मिसशेप, ट्विस्ट आपके पास हो जाएगा. कॉन्टोर्ट, स्क्यू, बेंड, परवर्ट, ट्विस्ट, ट्विक. ये परवर्ट हम लोग बहुत से लोगों के लिए भी यूज करते हैं जिनकी विकृत मानसिकता होती है, तो उनके लिए भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं परवर्ट, ठीक है. फॉल्सिफाई, मिसरिप्रेजेंट, आपने उसको गलत तरीके से वहां पर रिप्रेजेंट किया है. एग्जरेट किया है आपने जबरदस्ती, उसमें देखो आया ना वर्ड यहाँ पर एग्जरेट. गार्बल किया है, चेंज किया है, फिर ऑल्टर किया है, मतलब एडिटिंग कर दी आपने एक तरीके से उसमें, ठीक. ये एडिटिंग ही है और कुछ भी नहीं. ऑपोजिट जो आपके सामने बिल्कुल एग्जैक्ट था वैसा का वैसे आप रखो वहां पर, एग्जैक्ट, क्लैरिफाई करके रखो, रेक्टिफाई, स्ट्रेंथन, करेक्ट, अलाइन, रिस्टोर, अनडिस्टोर्ट और एक्यूरेट तरीके से आप वहां पर रखोगे, तो ये सारे वर्ड उसी के हम लोग कह सकते हैं एकदम से ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे. आई होप बात समझ में आ रही होगी आपके, और नहीं आ रही तो दोबारा देखना वीडियो को. ये वर्ड याद है कि नहीं है, भूल गए क्या? डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब किसे याद रखोगे, इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ. पैर, पैर मतलब क्या होता है? जोड़ा, पी ए आई आर की बात कर रहा हूँ फिलहाल. पैर मतलब जोड़ा, मतलब वो दोनों एक जैसे होंगे तभी तो जोड़ा बना उनका, ठीक. अब उसके आगे लग गया अनपैर, ठीक है, या फिर हम लोग कहते हैं डिसपैर, क्योंकि आपको पता है इम, इर, डिस, मिस, ये सारे जो प्रीफिक्स होते हैं ये हमेशा नेगेटिव सेंस कन्वे करते हैं. तो हम लोग चलो डिस को ही लेते हैं यहां से, ठीक है. तो आपके पास में पैर था, पैर के आगे हमने यूज कर लिया है कि डिस लग गया, तो जो जोड़ा था पहले वो दोनों सेम थे इसलिए अब उनका जोड़ा बन रहा था. अब क्या हुआ कि उनमें उनके आगे लग गया डिस, मतलब हो गया नेगेटिव. अब वो क्या है, समान नहीं रहे, अब जोड़ा नहीं रहे, मतलब क्या हो गया, उनमें अंतर आ गया, डिफरेंस आ गए. तो यही बात आपको समझानी थी मुझे कि उनमें असमानता आ गई है या फिर अंतर आ गया, तो डिफरेंस वहां पर हो गए. स्पेशली वन दैट इज कॉज्ड बाय अनफेयर ट्रीटमेंट, जहां पर ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल रहा होता है तो उस कंडीशन में ये इस तरह की दिक्कत आती है. इनइक्वालिटी होती है, डिफरेंसेस होते हैं, डिस्क्रिपेंसी वहां पर होती है, डिस्प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब अमाउंट सेम नहीं होता है, किसी को ज्यादा किसी को कम हो गया, गैप हो गया, कंट्रास्ट हो गया, कंट्रास्ट हो गया तो अपोज हो गया ना सीधा सीधा, डाइवर्जेंस हो गया, वेरियंस हो गया वहां पर, इम्बेलेंस, अनइवननेस, इवन मतलब इक्वल और अन मतलब जो इवन नहीं है, डिससिमिलैरिटी, इनइक्विटी,
कंट्रास्ट, डाइवर्सिटी, वेरिएशन और डिस्टिंक्शन, ये वर्ड आपके पास में। अपोजिट देखें इसका, तो अपोजिट क्या होंगे, इक्वालिटी हो गया, सिमिलरिटी हो गया, यूनिफॉर्मिटी, पैरिटी, पैरिटी मतलब इक्वल, हाँ इक्विवल, इक्विवेलेंस, ये इक्वी का मतलब भी इक्वल ही होता है, सेम, कन्फर्मिटी, बैलेंस और सेमनेस, ठीक है, ये इसका सिमिलर वर्ड है। आइए बेटा, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग गया होगा तो प्लीज अच्छे से लाइक कर दोगे आप लोग, और यही मेरी उम्मीद रहेगी कि आप लोग इसको जितना हो सकता है शेयर करेंगे, और लाइक तो करेंगे ही सही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार थोड़ा बहुत, ठीक है, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बोलना ही नहीं आता, ठीक है, इतना बोलने की हैबिट नहीं ना, तो ठीक है, आज पहली बार बोला है मैंने, सब्सक्राइब करें इसको, और जितना हो सकता है पढ़ाई में इन्वॉल्व होने की कोशिश करें, आप लोग पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और भी कोई क्वेरीज हो आप लोग की तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं कोशिश करूँगा उसका फटाफट से आंसर करूँ आप लोग को, ठीक, तो आज इन्जॉय करें आप लोग अपना संडे, और लाइक करते रहें साथ में, बाय बाय, थैंक यू।